दोस्तों नागिन अपने प्यार नाग के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। ऐसे में अगर उसके नाग को कोई मार दिए तो फिर नागिन का गुस्सा सातवें आसमान में होता है। किस्से कहानियों में तो ये सब आपने अक्सर सुना होगा कि नागिन अपने नाग का बदला लेती है, परंतु आज हम आपको एक ऐसी घटना जो कि उत्तर प्रदेश में घटी, जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनाने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की, क्योंकि यहाँ असल में नागिन का गुस्सा एक लड़के पर फूटा है। दरअसल बिस्तर पर लेटे इस युवक को नागिन ने कम से कम 60 बार डस लिया है, परंतु हर बार सपेरे द्वारा किए गए देसी इलाज से यह बच जाता है। परंतु नागिन गांव के हर गली कोने कोने में छुप घात लगाए इस लड़के का इंतजार करती है। अब परिवार के लोग उस नागिन से इतने ज़्यादा डर चुके हैं कि नागिन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 5,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। हमने फैसला ये किया है, हम 5,000 रुपए इनाम देंगे जो मेरे जिंदा या मुर्दा सांप को पकड़ के दे, ठीक मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। मामला निगोही थाने के खीरी या पश्चिम का है। दरअसल बताया जा रहा है कि गांव में एक युवक ब्रिजभान सिंह ने 2016 में प्रेमा लाभ कर रहे नाग नागिन को अलग करके नाग को लाठी से मार डाला था, जिसके सिर्फ 10 मिनट बाद ही नागिन ने ब्रिजभान को डस लिया था। लेकिन उस वक्त एक संत ने देसी दवा के जरिए उसको बचा लिया था, परंतु फिर नागिन ने मई 10 और 14 नवंबर को उस पर फिर से हमला किया। इस बार भी वह बच गया, परंतु नागिन फिर लौट कर आई और करीब अब तक 7 बार ब्रिजभान को डस चुकी है। रोधपुर और हम पानी चला रहे थे, निकले एक हमने मार डाला, एक भाग गया। डर ऐसा लगने लगता है, वो बहुत मोटा सांप है और वो आता है एकदम हमला कर देता, काट खाता है। ब्रिजभान के पिता के मुताबिक नागिन उनके बेटे को डसने के लिए उसके आसपास ही छिपी बैठी रहती है। कई बार परिवार वालों ने नागिन को घर के आसपास देखा है, लेकिन वे लोग ना तो उसको मार सके और ना ही उसको अभी तक पकड़ पाए हैं। दोस्तों नागिन को जब भी मौका मिलता है तो वह ब्रिजभान को डस लेती है। इससे ब्रिजभान और उसका पूरा परिवार खौफ में है, इसीलिए ब्रिजभान के पिता ने नागिन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 5,000 का इनाम रखा है। और तो और ब्रिजभान को नागिन से बचाने के लिए हर समय 4 आदमी उसके साथ रहते हैं।